हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आइए आज बनाते हैं बॉइल्ड मटर की पैटीज। बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे हम सैंडविच बनाएंगे, तो आप इसके बनाने का तरीका देखें, इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें और इसके स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 100 ग्राम बॉइल्ड मटर को ठंडा होने दें। इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस लें। एक मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन डालें। एक हरी मिर्च डालें जिसका बीज निकला हुआ हो। हाफ टी स्पून चॉप जिंजर डालें। 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम डालें और अगर आप एग लवर हैं तो 1 एग डाल दें। पाउडर मसाले ले लें। यहाँ मैंने नमक, धनिया, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और क्रश्ड रेड चिली लिया है। ये सभी 1/4 टी स्पून है और ये 1/8 टी स्पून है। तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लें और इसे उस मटर के पेस्ट में डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ढेर सारी धनिया की पत्ती को बारीक कतर कर जरूर डाल लें। उतनी मटर पेस्ट से हमने 3 बड़ी-बड़ी पैटीज बनाई है। तो अब एक तरफ कढ़ाई को गर्म कर लें और उसमें हमें इसे सेकना है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। आटे के खुशका पर पैटीज को उलट पलट कर लें और ज़्यादा आटा झाड़ लें। ऐसा करने से पैटीज के ऊपर एक बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ जाएगा जो कि फ्राई करने से बहुत ही क्रिस्प हो जाएगा। अब पैन गर्म कर लें, आँच धीमा रखें और इस पर अपनी पैटीज को डाल दें। अब इस तरह से पालक के पत्तों की एक लेयर बनाएं और इसे दोनों सिरे से काट लें। अब ब्रेड की 2 स्लाइसेस ले लें। एक पर मैंने डोसे वाला चटनी जो होता है वो घर वाली चटनी लगाई है। अब उसके ऊपर पालक का पत्ता लगाएं और टमाटर की स्लाइसेस को नैपकिन पर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो हट जाए और इसे हम इस सैंडविच के ऊपर लगा देने वाले हैं। इधर हमारी पैटीज भी रेडी है, बहुत ही बेहतरीन। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।